मैक्सिको में चक्रवाती तूफान जॉन तबाही मचा रहा है। दक्षिणी पश्चिमी मैक्सिको में शनिवार को हजारों की संख्या में लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा। करीब इस तूफान का असर करीब एक हफ्ते से देखने को मिला है, जिसमें करीब 22 लोगों की मौत की सूचना है। अब तूफान का सबसे बुरा असर मैक्सिको के सबसे गरीब इलाके ग्वेरेरियो में देखने को मिला है, जहां इसकी चपेट में आने से करीब 18 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार इनमें से कई की मौत मिट्टी के धंसने के कारण हुई है। दक्षिणी ओसाका में 3 मौतों की सूचना है और उत्तरी मिशोआकान में राज्य में एक छोटे लड़के की नदी में डूबने से मौत हुई है। हालांकि गनीमत यह है रही कि जॉन चक्रवात शुक्रवार को कमज़ोर पड़ने लगा और अब इसे सक्रिय तूफान नहीं माना जा रहा है। उधर अमेरिका में तूफान हेलेन ने भारी तबाही मचाई है। तूफान हेलेन के चलते 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, हज़ारों लोग बेघर बताए जा रहे हैं। वहीं तूफान की अधिकतम गति 225 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जब गुरुवार देर रात यह फ्लोरिडा के ग्रामीण क्षेत्र में एक कम आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचा। राष्ट्रपति बाइडेन ने एक पोस्ट में कहा कि हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और लोगों की हर संभव मदद की जा रही है।